वेलकम बैक गाइस टू नेटफ्लिक्स। वैसे तो स्पाइडरमैन पे दर्जनों से भी अधिक फिल्में बन चुकी हैं और बने भी क्यों ना, क्योंकि सुपर हीरोज वाली मूवी देखना एक अच्छी स्टोरी के साथ किसको पसंद नहीं है। आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी ही स्पाइडरमैन मूवीज को कवर करने वाले हैं जो एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और साइंस फिक्शन से भरी होंगी। तो अगर आप इन सभी मूवीज को मिस नहीं करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक देखना। नंबर 10 पे है स्पाइडरमैन, जो 2002 में रिलीज हुई थी और यही वो मूवी है जिसने पीटर पार्कर को बड़े पर्दे पर लाइव एक्शन की दुनिया में लाया। फिल्म का दो पार्ट और भी है, पहला स्पाइडरमैन 2 जो 2004 में रिलीज हुई थी और दूसरा स्पाइडरमैन 3 जो 2007 में रिलीज हुई थी। स्पाइडरमैन 2 में पीटर पार्कर को अल्डेफ मोलिना के डॉक्टर ओटो ऑक्टेवियस के खिलाफ लड़ना पड़ता है और इसके अलावा पीटर एक भगोड़ी ट्रेन को बचाने की भी कोशिश करता है और भाई वहां पे जो तबाही होती है वो देखने लायक है। और कहीं ना कहीं इन दोनों पार्ट से बेटर इसका पार्ट 3 है जिसमें हमें स्पाइडरमैन का ब्लैक सूट भी देखने को मिलता है। स्पाइडरमैन का यह तीनों पार्ट अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 9 पे है द अमेजिंग स्पाइडरमैन जो 2012 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी स्पाइडर पर आधारित है और साथ ही साथ पीटर के माता पिता के कुछ इतिहास को दिखाया गया है। फिल्म की सबसे बड़ी बुराई राइट्स इन्फांस लिजर्ड है जो एक उत्परिवर्तित वैज्ञानिक है जिसने कभी पीटर के पिता के साथ काम किया था। 2014 में इस मूवी का पार्ट 2 भी रिलीज हुआ जिसका नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो सारफील्ड युग की दूसरी दुनिया और आखिरी फिल्म थी। ये दोनों मूवी अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पे है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर। ये एक स्पष्ट रूप से स्पाइडरमैन मूवी नहीं है। इसने दुनिया को टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन संस्करण से परिचित कराया। टोनी स्टार्क जो रॉबर्ट डाउन के जूनियर है उन्होंने हॉलैंड के पीटर पार्कर को स्पाइडरमैन बनाने के बाद भर्ती किया और हम उन्हें एमसीयू के कई महान नायकों के खिलाफ मुकाबला करने या उनके साथ टीम बनाते हुए देखते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो पे ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 7 पे है स्पाइडरमैन होमकिंग जो 2017 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की घटनाओं के बाद की है जो पीटर पार्कर की हाई स्कूल की दोहरी चुनौतियों से निपटने और टोनी स्टार्क को साबित करने की है कि अब पीटर पार्कर अवेंजर में शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। इसके बावजूद वह अभी भी अपने दोस्तों के साथ घूमने और स्पाइडरमैन के रूप में अपने कौशल को सुधार करने और अपराधों को रोकने का भी काम करता है। अब आगे की कहानी आप इस वाले मूवी में देखिए जो अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पे है वेनम जो 2018 में रिलीज हुई थी। फिल्म की कहानी में देखना यह है कि क्या हार्डेल का स्पाइडरमैन वास्तव में कभी हार्डीज वेनम से टकराएगा या नहीं। कहानी में एक्शन, एडवेंचर और साइंस फिक्शन इतनी दमदार है कि आपके दिल को सुकून देगी। अमेजन प्राइम पे ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडर वर्स जो 2018 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में स्पाइडरमैन की एक अलग ही कहानी को दिखाया गया है लेकिन यह देखने लायक है। कहानी सटीक रूप से माइल्स मोलारेस के आसपास घूमती है जिसमें अलग अलग मल्टीवर्स के स्पाइडर तुरंत तस्वीर में प्रवेश करते हैं और पात्रों की एक श्रृंखला बनाते हैं। माइल्स मोलारेस को मकड़ी के काटने से अद्भुत शक्तियां प्राप्त होती हैं और वह स्पाइडरमैन के रूप में लोगों की रक्षा करता है और अपने जैसे कई लोगों से मिलने पर वह कई ग्रहों को बचाने के लिए लड़ता है। अब आगे कहानी में क्या होता है ये आप इस वाले मूवी में देखिए जो अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 पे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर जो 2018 में रिलीज हुई थी। कहानी में एवेंजर्स को थानोस और उसकी सेना को इन्फिनिटी स्टोन प्राप्त करने से रोकना होगा क्योंकि थानोस को अपने मकसद में कामयाब होने के लिए स्टोन की जरूरत है और उसे पाने के लिए किसी भी हद तक सकता है। अब एवेंजर्स मिलकर उसे कैसे रोकते हैं या इस वाले मूवी में देखिए जो प्राइम वीडियो पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 3 पे है एवेंजर्स एंडगेम जो 2019 में रिलीज हुई थी। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद खुद को सर्वशक्तिमान समझने वाले थानोस द्वारा ब्रह्मांड के आधे हिस्सों को विभाजित करने के बाद एवेंजर्स को एक दूसरे का हौसला बनाए रखने और ब्रह्मांड के संतुलन को बहाल करने के लिए एकजुट होना पड़ता है। अब आगे कहानी में क्या होता है आप इस वाले मूवी में देखिए जो अमेजन प्राइम और हॉटस्टार दोनों पे हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 2 पे स्पाइडरमैन फॉर फ्रांस होम जो 2019 रिलीज हुई थी। एवेंजर्स एंडगेम की घटनाओं के बाद उस फिल्म में जो कुछ हुआ उसे निपटाने के लिए स्पाइडरमैन यानी पीटर पार्कर को स्कूल की यात्रा करने के लिए यूरोप ले जाने से पहले न्यूयॉर्क शहर से शुरू होता है। वो सुपर हीरोज की दुनिया से बिना किसी बाधा के यात्रा करना चाहता है लेकिन ब्रह्मांड के पास उसके लिए कुछ अलग ही योजना है। अब पृथ्वी पर 4 प्राणियों के कारण खतरा मंडराने लगता है जिसके कारण पीटर पार्कर की यात्रा बाधित हो जाती है। अब कहानी में आगे क्या होता है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा जिसे आप अमेजन प्राइम वीडियो पे हिंदी में देख सकते हो। फाइनली नंबर 1 पे आने वाली मूवी का नाम है वेनम लेट देयर बी कार्नेज जो 2021 में रिलीज हुई थी। ये फिल्म सीधे तौर पर बाधित होने के कारण स्पाइडरमैन फिल्म से मिलती जुलती है। हालांकि यह फिल्म टॉम हार्डी की वेनम दुनिया का निर्माण करती है और इसमें एक पोस्ट क्रेडिट दृश्य भी दिखाया गया है जो इन दोनों दुनिया को
पहले से कई अधिक करीब लाने की कोशिश करती है। फिल्म में कमाल का ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट देखने को मिलता है, जिसे आप प्राइम वीडियो पे हिंदी में देख सकते हो। अब यार ये रहे 10 सुपर हीरोज स्पाइडरमैन वाली मूवीज जिनका बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर किया। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनमें से किन किन मूवी को देखना पसंद करोगे, और हमें कमेंट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको इनमें से कौन सी मूवी बढ़िया लगी। चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लेना।